बाबर आजम ने 100 बनाया, दो एक साथ। बट बाबर आजम की कल की जो बैटिंग है वो है उनका इम्तिहान। हो सकता है ऑल आउट भी हो सकते थे, नहीं ये तो नहीं, ये फालतू की बातें। 20 ओवर में 4 आउट हो गए ना, तब पाकिस्तान ने, वो तो बेचारे एम्बुलेंस में जाते घर। मेरे हिसाब से फॉलो ऑन देना चाहिए था, हो सकता गए होते। उनके वजीरे आजम बोलते देखो घबराना नहीं है, पिच सही है। कराची टेस्ट मैच, क्या पाकिस्तान 314 चाहिए ना? गाबा कैसे होगा? गाबा तो इंडिया अवे टीम थी ना, जो भी है घर पे है, जो भी है। कमता है गाबा का घमंड। लेकिन ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ना कल जब फॉलो नहीं कराया, जब दूसरी टीम कहते ना ऑन द मैट हो नहीं, बट इसी ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 36 ऑल आउट करने के बाद आपको अगले मैच में दबाने की बजाय छोड़ दिया था मेलबर्न में। बिल्कुल, अरे यार 145 ऑल आउट टीम हो रही है, 55 ओवर खेली नहीं है, उसको दोबारा डालो, कल ही आप 4 आउट कर ले। नहीं बट ये ऑस्ट्रेलिया टीम में वो है नहीं राहुल, ये फालतू की बातें हैं कि क्या है? नहीं अब मैं एक्चुअली पता उस वक्त मैं सोच रहा हूं, हाइंडसाइट में मैं सोच रहा हूं ना, कल सर 20 ओवर ही डाले, हाइंडसाइट में 20 ओवर में 4 आउट हो गए ना, जब नहीं तो वो लगी बात है ना, 20 ओवर में आउट हो सकता, ऑल आउट भी हो सकते थे, नहीं ये तो नहीं मेरे को ठीक है। मेरे हिसाब से फॉलो ऑन देना चाहिए था, हो सकता है आपको, बट अगर ऐसा होता कि यही उन्होंने दोबारा कर दिया होता पाकिस्तान ने, वो तो बेचारे एम्बुलेंस में जाते घर। कौन? ऑस्ट्रेलिया वाले। यार ऐसे थोड़ी होता है, दो तीन दिन आपकी बात जायज है, बट मैं अब मैं सोच रहा हूँ तो ठीक है, इतना भी कोई वो नहीं। अगर पाकिस्तान ने ऐसी ही परफॉर्मेंस दोबारा दे दी, अब भाई वहां गए होते उनके वजीरे आजम बोलते देखो घबराना नहीं है, पिच सही है, बैटिंग जो है करनी है, आप लोग बहुत बड़े अच्छे, वो आते ऐसी बैटिंग करते हो तो लंका लग जाती है उनकी। किनकी? पाकिस्तान की, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए आज बाबर आजम ने 100 बनाया, दो एक साथ, बट बाबर आजम की कल की जो बैटिंग है वो है उनका इम्तिहान टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम एक विकेट में भी या दो विकेट? दो विकेट। किस किस के? ये जो दो खेल रहे फवाद आलम, यार उन्होंने मिचेल स्टार्क ने फर्स्ट इनिंग में क्या बोलिंग करी है, मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कहर बरसा रहे थे वो। उन्होंने जो फवाद को जो स्पेशली जो बोल्ड मारा है लेग बिफोर, और जो यॉर्कर मारी है उन्होंने, बात पूछो मत। और इस सेकंड इनिंग में घुस गए मिचेल स्टार्क, एटलीस्ट अभी तक तो, अब पता नहीं बॉल भी एक्चुअली 77 ओवर पुराना हो चुका है, तो नया बॉल आ गया होगा उनके पास, अब वो है कि अब पता नहीं बॉल रिवर्स हुई नहीं हुई इनसे, क्या हुआ इस बार। मिचेल स्टार्क तो यार इज अ गुड एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स, कल पता चलेगा ना फॉर बोथ ऑफ देम, आसान नहीं होगा। अच्छा हो गया टेस्ट मैच, मतलब कल जैसे नितिन खन्ना कह रहे हैं हमारे, क्यों नहीं आपको देखने का मौका मिलेगा ना, हम लाइव रहेंगे उस मैच पे। पाकिस्तान से हमारे जो दर्शक हैं वो हमें अक्सर कहते हैं भाई ये इससे बड़ा मैच क्या होगा, वी विल बी लाइव ऑन दैट गेम पोस्ट मैच। या ऑफ कोर्स अग्रीड।